आज हम लोग बात करेंगे एरे के कुछ मेथड्स के बारे में। कुछ एरे के मेथड्स होते हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करते हैं एरे को चेंज करने में। आप एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं, यानी कि एरे के अंदर डाल सकते हैं, आप एरे से एलिमेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं, इवन आप लोग एरेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये देख सकते हैं डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं ऐसे एरेस के जो कि आप लोग को मालूम होने चाहिए, जिसको मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इन सारे मेथड्स को देखते हैं। Let's get started. So guys, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरे का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि एरे क्या होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बेसिक्स देखे थे हमने एरे के। आज एरे के कुछ मेथड्स को हम लोग देखने वाले हैं और कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। तो मैं जल्दी से एक रैपल बनाऊंगा और उस रैपल के अंदर हम लोग एरे के मेथड्स को देखेंगे। सारी रैपल्स मैंने अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स के अंदर डाली हुई हैं। तो मैंने यहाँ पर 17th वाला जो हमारा वीडियो है उसके लिए ग्रैपल बना ली है और ये होने वाला है एरे मेथड्स के ऊपर। ठीक है, तो एरे मेथड्स के ऊपर ये जो रैपल हमारी है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मेथड्स। सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं एक नम नाम से एरे बनाऊँगा, ठीक है, और इसके अंदर डालूँगा 1, 2, 3, 34 मान लो और 4। ठीक है, और रैपलेट में आप जैसे ही कंट्रोल एस दबाते हो ना, ये फॉर्मेटिंग कर देता है। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि किस तरह से फॉर्मेटिंग की जाती है, तो मैं जैसे उन लोग को बता रहा हूँ। पहला मेथड जो कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो है टू स्ट्रिंग। अगर किसी भी एक एरे को आपको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली क्या करें, नम डॉट टू स्ट्रिंग कर दें। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट बी इज इक्वल टू नम डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो जैसे ही मैं नम डॉट टू स्ट्रिंग कुछ इस तरह से करूँगा, बी इज नाउ अ स्ट्रिंग। ठीक है, बी एक स्ट्रिंग है। और अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बी करूँगा तो ये सिंपली क्या करेगा, ये मेथड रन कर देगा और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 34 और 4 प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, तो टू स्ट्रिंग एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं आपको जॉइन मेथड के बारे में बताता हूँ। जॉइन मेथड क्या करता है, जॉइन मेथड जॉइन कर देता है सारे एरे एलिमेंट्स को यूजिंग अ सेपरेटर, एक सेपरेटर का इस्तेमाल करके जॉइन कर देता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक एरे बनाएंगे जो कि बना हुआ है ऊपर। मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट सी इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिखूँगा नम डॉट जॉइन, और यहाँ पर लिख दूंगा मान लो अंडरस्कोर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग सी करूँगा तो आप लोग देखना यहाँ पर 1_2_3_3_4_4 ये प्रिंट हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम एंड डॉट जॉइन करते हैं तो ये जॉइन कर देता है विद दिस एज अ जॉइनर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। अगर मैं टाइप ऑफ सी करूँगा, मान लो मैं सी के साथ साथ टाइप ऑफ सी भी करता हूँ, तो क्या होगा, वो एक स्ट्रिंग होगी। एंड सेम गोज फॉर बी ऑल्सो, अगर मैं टाइप ऑफ बी करूँगा तो वो भी एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं एरे को डायरेक्टली टाइप ऑफ करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि हमने देखा था पिछले वीडियो में अपने। तो इस तरह से अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये अंडरस्कोर की जगह मैं एंड स्पेस भी लिख सकता था तो प्रिंट होगा 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो कभी कभी स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को, और आप लोग स्ट्रिंग्स को इस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना चाह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं स्ट्रिंग को इस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जॉइन मेथड हो गया। अब हम पॉप मेथड की बात करेंगे, और ये लास्ट एलिमेंट को एरे में से निकाल देता है, ओरिजिनल एरे को अपडेट करता है। अब देखो यहाँ पर दो बातें सुनना आप मेरी। देखो क्या होता है कि कभी कभी एरे के कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि नया एरे रिटर्न करते हैं, कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं एरे के जो कि सेम एरे को चेंज कर देते हैं। पॉप उनमें से एक मेथड है जो कि सेम एरे को चेंज कर देता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ चला दूँ एक बार नम डॉट पॉप, ठीक है, नम डॉट पॉप चला दूँ और अब कंसोल डॉट लॉग नम करूँ तो क्या होगा। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग नम करूँ तो आप लोग यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 34 आ रहा है, 4 निकल गया। तो पॉप का मतलब क्या होता है कि निकाल लेना, पॉप आउट, पॉप आउट कर लेना। अगर मैं एक डब्बे के अंदर एक बॉल डालता हूँ और उसमें से निकाल लेता हूँ तो कहा जाएगा पॉपिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो पॉप करने का मतलब ये होता है। अच्छा, ये रिटर्न क्या करता है, अगर मैं मान लो यहाँ पर लिख दूँ लेट आर इज इक्वल टू, ठीक है, और मैं आर को भी प्रिंट करूँ तो ये पॉप्ड एलिमेंट को रिटर्न करता है, तो ये 4 को रिटर्न कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉप रिटर्न्स दी पॉप्ड एलिमेंट। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया।
अब अगले मेथड की बात करते हैं। देखो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं आपके रेफरेंस के लिए। एक बात और बताता हूँ आप लोगों को, जावास्क्रिप्ट के जितने भी मेथड्स हैं सारे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप लोग कुछ मेथड्स को भूल जाएंगे, कभी कभी आप ये भूल जाएंगे कि कौन सा मेथड ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है और कौन सा मेथड एक नया एरे रिटर्न करता है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आप गूगल सर्च करें, मेरे नोट्स को रेफ़र करें। ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि सारे मेथड्स यहाँ पर मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है, मैंने वो लिखे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे। तो कोई भी मेथड अगर आप लोग जानना चाहते हो एरे के बारे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आप गूगल सर्च करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पता चलेगा ओ ये भी एक मेथड होता है एरे का, तो इस तरह से आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। कभी भी कोई चीज़ आपको 100% नहीं आती है, ठीक है, या तो आपको 95% आएगी या 96% आएगी, और जैसे जैसे आप उसमें काम करते जाएंगे आपकी नॉलेज उस सब्जेक्ट में बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आज की तारीख में प्रोग्रामिंग की फील्ड में मैं भी कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ और डेली सीखता हूँ, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना कि रटना नहीं है, सबसे पहले तो गूगल आपका दोस्त है, बस आपको अपने आप को इस लायक बनाना है कि आप अच्छी अच्छी एप्लीकेशन बना पाओ, ठीक है, कैपेबल हो जाओ आप। तो पॉप एक मेथड है जो कि अपडेट करता है ओरिजिनल एरे को, रिटर्न करता है पॉप वैल्यू को। पुश की बात करते हैं, पुश क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा ओरिजिनल एरे को और नई एरे लेंथ को रिटर्न कर देगा। तो जिस तरह से हमने पॉप की बात करी यहाँ पर, हम यहाँ पर पुश भी चला सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको सबसे पहले तो कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर पुश रिटर्न्स द न्यू एरे लेंथ, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया पुश रिटर्न्स द न्यू एरे लेंथ। और यहाँ पर अगर मैं r इज़ इक्वल टू ये पुश कर दूंगा और इसके बाद लेट अस से इसमें 56 पुश कर दूंगा, तो क्या होगा कि सबसे पहले तो इसकी लेंथ कितनी थी, 5 थी, अब 6 हो गई, ठीक है। और ये नम क्या हो जाएगा, नम में देखो 56 ऐड हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पर 56 ऐड हो गया नम में, ठीक है। तो पुश क्या करेगा कि एंड में लगा देगा उस एलिमेंट को जो भी आपने पुश किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुश। अब बात करते हैं शिफ्ट और अनशिफ्ट की। शिफ्ट क्या करेगा, शिफ्ट यहाँ पर रिमूव करेगा पहला एलिमेंट और उसको रिटर्न कर देगा। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर मेथड है शिफ्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ लेट r इज इक्वल टू नम डॉट शिफ्ट, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग r करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 1 प्रिंट हो गया। 1 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ये वाला पॉप आउट हो गया, अगर ये 10 होता तो 10 प्रिंट हो जाता, ठीक है। तो मैंने एक एलिमेंट को रिमूव किया। और क्या ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करेगा, क्या ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करेगा, यानी कि क्या अब नया एरे हमारा 2, 3, 34, 4 हो जाएगा। द आंसर इज़ येस हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करने वाला मेथड है ये। तो ये क्या करेगा कि रिमूव करेगा पहला एलिमेंट एंड रिटर्न कर देगा उसको और ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर देगा। अब हम लोग बात करेंगे अनशिफ्ट की। अनशिफ्ट क्या करेगा, ऐड कर देगा नया एलिमेंट। जिस तरह से शिफ्ट ने रिमूव किया था, अनशिफ्ट ऐड कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एरे, ठीक है। और जो हमारा अनशिफ्ट है वो क्या करेगा, हमारा अनशिफ्ट मेथड क्या करेगा कि ऐड कर देगा एक एलिमेंट टू द बिगनिंग ऑफ द एरे। तो मान लो मैं 78 को ऐड करना चाहता हूँ। देखो आप लोग, अगर मैं सबसे पहले मुझे इसको कमेंट करना होगा वरना एरर आएगा, ये बोलेगा आर को दोबारा क्यों बना रहे हो, ठीक है। देखो कह रहा है आइडेंटिफायर आर हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो, सबसे पहले तो इसने रिटर्न कर दी 6, यानी कि नए एरे की लेंथ रिटर्न कर दी, ठीक है। 6 रिटर्न करी इसने, इसके बाद एरे जो है इसने मुझे बता दिया 78 इसने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया। तो ये रिटर्न करता है न्यू एरे लेंथ, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है रिटर्न्स न्यू एरे लेंथ। तो ये बिल्कुल ही सिमिलर है हमारे पुश और पॉप मेथड के। पुश में क्या था कि मॉडिफाई करता था ओरिजिनल एरे को और रिटर्न करता था नए एरे की लेंथ। पॉप में क्या था, पॉप में अपडेट करता था ओरिजिनल एरे और रिटर्न करता था पॉप वैल्यू। सिमिलर यहाँ पर भी है, ठीक है, ये भी रिमूव करता है एलिमेंट को, रिटर्न कर देता है। तो पॉप बस ये है कि एरे के एंड से निकालता है, ये शिफ्ट जो है स्टार्टिंग से निकालता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये सारे मेथड समझ में आ गए। आने वाले वीडियोज़ में हम और मेथड डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर एक्सेस करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। सारी की सारी PDF रेप्लेट का लिंक सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, आप लोग एक्सेस कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस video and I will see you next time.